नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी में। मैं पूनम आपके। एनसीपी से पलामू के हुसैनाबाद सीट से विधायक कमलेश सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। रांची के पार्टी कार्यालय में उन्होंने बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उनके बेटे और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूर्य सोनम ने भी सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में उनके कई समर्थक मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होते ही कमलेश सिंह ने घुसपैठ को लेकर अपने बयान दिए। कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, यह घुसपैठ सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने पार्टी के प्रति वफादारी दिखाते हुए खुलकर कहा कि जनता वर्तमान सरकार से ऊब चुकी है, अब राज्य की जनता भी बदलाव चाहती है। उन्होंने वर्तमान सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि राज्य में 5 वर्षों से सरकार चल रही है, इस दौरान भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि आने वाले समय में योजनाओं का कोई असर नहीं पड़ने वाला। कमलेश सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद अपने संबोधन में चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्हें पार्टी में ज्वाइनिंग कराने से पहले एनसीपी की सहमति ले ली गई थी। एनसीपी एनडीए का सहयोगी दल है, ऐसे में सहमति जरूरी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीते एक महीने से एनसीपी से हमारी बातचीत हो रही थी, अब किसी तरह की अड़चने नहीं है। कमलेश सिंह के पार्टी में आने को लेकर हो रहे विरोध के सवाल पर कहा कि कमलेश सिंह के आने से किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पार्टी में सदस्यों की संख्या बढ़ने से खुशी होनी चाहिए। कमलेश सिंह पर भी जिम्मेदारी होगी कि पुराने और नए कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने का काम करें। कमलेश सिंह के पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन के दौरान कमलेश सिंह की काफी तारीफ की। कहा कि उन्होंने पार्टी के साथ लंबे समय से सहयोग दिया है। उन्होंने साल 2005 का उदाहरण देते हुए कहा कि 2005 में कमलेश सिंह के द्वारा दिए गए समर्थन के बल पर ही भाजपा की सरकार बची थी। ऐसे में उम्मीद है कि अब कमलेश सिंह भाजपा का सदस्य होने के नाते न केवल हुसैनाबाद बल्कि पूरे झारखंड में काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।